वेलकम टू कॉलेज सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। मैं राजू प्रसाद आप लोगों के लिए लेके आया हूँ शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का फुल कैंपस टूर। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आने वाले सारे वीडियोस में आपको सारे टॉप कॉलेजेस ऑफ उत्तराखंड का मैं आपको ओवरव्यू देने वाला हूँ, जिसमें आपको पूरे कॉलेजेस और कैंपस का मैं आपको फुल वीडियो शॉर्ट्स दिखाऊंगा कि क्या वहाँ का मैनेजमेंट सिस्टम है, क्या वहाँ पे क्या पढ़ाई होता है, क्या होता है, फुल डिटेल। ओके, तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पहले ही से वहाँ कॉलेज में जाकर मैंने वहाँ से सारे इंटरव्यूज कुछ टीचर से मैंने बातचीत किया है और मैंने फुल कॉलेज का रिव्यू मैंने ले लिया है। और अभी मैं आगे के वीडियोस में आप वहाँ का शॉर्ट्स देख पाएंगे, ठीक है। और मैं आपको पूरे कॉलेज का लाइब्रेरी क्या है, वहाँ का कंप्यूटर लैब कैसा है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कैसा है, वहाँ पे क्लासरूम्स वगैरह कैसे हैं, ठीक है। और मैं टीचर्स से भी कुछ बातचीत करूँगा जिससे आपको वहाँ पे आपको बहुत अच्छा आपको फीडबैक मिलेगा, ठीक है। और तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बाहर जो कि देहरादून उत्तराखंड में है और ये उसका बाहर का व्यू है। ये मेन गेट है शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का। और जैसे कि हम यहाँ से अभी अंदर जाएंगे, ओके, तो साइड में आप देख पा रहे हैं कि एक बहुत अच्छा सीनरी है। और ये जो है ये मेन एंट्रांस है, ओके, रिसेप्शन एरिया है और ये वेटिंग हॉल है। और यहाँ पर एक सरस्वती जी का एक मूर्ति भी बना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ से अभी हम जैसे कि अंदर जा रहे हैं तो ये अभी APJ अब्दुल कलाम का लाइब्रेरी है, जो कि उसी नाम से इनका लाइब्रेरी है, ओके, APJ अब्दुल कलाम, ओके। और ये यहाँ का लाइब्रेरी का इनसाइड व्यू आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको कंप्यूटर फैसिलिटी भी मिल जाता है लाइब्रेरी में ही, ओके। और जो बुक्स का यहाँ पे अरेंजमेंट है वो बहुत अच्छा है, कॉलेज का सब्जेक्ट्स वाइज और मैनेजमेंट वाइज यहाँ पे सारे बुक्स यहाँ पे आपको दिख जाते हैं। और ये सारे बैठने का सीटिंग अरेंजमेंट है। और ये शिवालिक कॉलेज का ये मेन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ से अभी हम अंदर जाएंगे, ओके, तो यहाँ पर ये रिसेप्शन एरिया है शिवालिक का। यहाँ पर मेन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का रिसेप्शन एरिया है ये। और यहाँ पर आपको एडमिशन इंक्वायरी के बारे में जो भी आपको जानना है वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अभी जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे एक्सलेंस ऑफ वॉल ऑफ एक्सलेंस है, जितने भी ट्रॉफीज वगैरह है सब वहाँ पे कॉलेज को दिया गया वो है। रोबोटिक्स लैब है ये डिपार्टमेंट ऑफ AC डिपार्टमेंट का। अच्छा, और आने वाले अभी जैसे कि ये क्लासरूम्स वगैरह हैं वहाँ पर, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का क्लासरूम है ये। और ये जो भी बच्चे पिछले साल प्लेस्ड हुए हैं उनका फोटोज़ है यहाँ पर, और कौन कितने पैकेज से प्लेस्ड हुआ है वो है। और यहाँ प्लेसमेंट्स है और 2021 बैच का ये सारे कंपनी का नाम है जो कंपनी इस बार कैंपस में आई थी, ओके। तो टोटल यहाँ पर आपको 105 कंपनी दिख जाएगा जो प्लेसमेंट्स आई थी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा खासा प्लेसमेंट लग जाता है, ओके। और अभी आने वाली वीडियोस में मैं आपको कुछ इसके लैबोरेटरीज वगैरह में दिखाऊंगा कुछ लैब। ये यहाँ पर एक इंजीनियरिंग लैब का है जो कि अभी यहाँ पर एक मशीन है जो कि कॉलेज के बच्चों ने ही बनाया है, ओके, इसके बारे में सर हमें बता रहे हैं, है ना। और जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर सर ये बता रहे थे कि जो डिपार्टमेंट है यहाँ पर अभी ये जो मशीन है मुंबई में भी यूज़ हो रहा है, ठीक है, कुछ बहुत सारे होटल्स वगैरह में ये अभी मशीन यूज़ हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक तंदूरी है ये एक तरीके से। और भी कुछ वहाँ पे ये मशीनरीज है, ओके। अभी हम सेंटर ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस में उधर जा रहे हैं, ओके, डाटा साइंस और डाटा एनालिसिस की तरफ। ये उसका कैबिन्स और डिपार्टमेंट है। ये सेमिनार हॉल है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कॉलेज का सेमिनार हॉल है। अभी लाइट ऑफ है, मैं लाइट ऑन करवा देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये सेमिनार हॉल है वहाँ का, और बहुत अच्छा है ये, यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, ओके, ये सब देख पा रहे हैं आप। ये कॉलेज का विजन है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और मैं बताना चाह रहा हूँ जैसे कि यहाँ पर जो है बेसिकली जो जहाँ तक मुझे पता चला कि एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्कोप है, ओके, ये नोटिस बोर्ड वगैरह है, ठीक है, ये भी एक लैब है। देख पा रहे हैं कि मतलब यहाँ का जो अरेंजमेंट है वो बहुत अच्छा है, सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगे यहाँ पर, ओके। देख लीजिए, आपको मैं पूरा ओवरव्यू पूरे सारे शॉर्ट्स में आपको दिखा दे रहा हूँ कॉलेज के अंदर से। अब तक का ये मेरे को लगता है यूट्यूब में ऐसा कुछ ही चैनल्स हैं जो कि पूरा आपको कॉलेज का पूरा फुल रिव्यू दिखा रहे, जिसमें से कॉलेज सॉल्यूशन है। और मैं बीच में बताना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाली कुछ वीडियोज़ में मैं आपको इसी तरीके से सारे कॉलेज का ओवरव्यू आपको मैं देने वाला हूँ।
ये देख पा रहे हैं, ये भी इंजीनियरिंग का वहाँ पर आपका सिटिंग अरेंजमेंट है, ये क्लासरूम्स है, यहाँ पे एग्ज़ाम होता है। और मैं एक बताता हूँ कि कोरोना के वजह से यहाँ पर जो भी अभी अटेंडेंस है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, आप फिंगरप्रिंट के थ्रू देखकर आपका अटेंडेंस आने लगता है, तो प्रॉक्सी का कोई चांस नहीं। ये देखिए वो एक मशीन है, ओके। और अभी हम बाहर आ गए हैं, ये यहाँ पे प्लेइंग एरिया है, ओके, ये बास्केटबॉल एरिया है। और अभी तो एक्चुअली अभी बच्चे क्लासरूम्स में है तो आपको यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है, ओके। तो सारे फैसिलिटीज़ यहाँ पे बहुत अच्छा है, एक अच्छा एनवायरनमेंट भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और अभी वापस से हम कॉलेज बाहर आ गए हैं, ठीक है। एक बार आपको और एक शॉर्ट्स आप देख लीजिए, ठीक है। ये यहाँ पे ये हॉस्टल है आपका, ठीक है, तो बॉयज़ हॉस्टल है ये, ओके। और अभी मैं उधर ही जा रहा हूँ, और अभी जो सर से हम लोग बात कर रहे थे वो हमें एग्रीकल्चर फील्ड की तरफ हमें लेके जा रहे हैं, बट और उसी रूट में आपको बॉयज़ हॉस्टल भी दिख जाएगा। तो ये साइड ये बॉयज़ हॉस्टल है, ओके। और अभी हम एग्रीकल्चर रिसर्च फार्म की तरफ जा रहे हैं, जो कि जस्ट कॉलेज से के बाहर ही है, ये उसका एक गेट है। और जैसे कि हम अंदर जाएंगे, ओके, तो ये रहा यहाँ पर अभी जो भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सारे सीन में आपको दिखा देता हूँ शॉर्ट्स में। तो एक कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई करने के साथ साथ, ओके, आपको एक यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखने को और करने को मिलता है। ये बहुत बड़ा एग्रीकल्चर फार्म है, बहुत सारे कॉलेज में ऐसा होता है कि छोटा सा ये रहता है, बट यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा एक्सप्लोर मिलेगा यहाँ पर आपको, ठीक है। आपको मैं पूरा शॉर्ट्स में आपको दिखा देता हूँ एग्रीकल्चर फार्म का। और जैसे कि यहाँ पे अभी जब हम लोग यहाँ पे विजिट कर रहे थे तो सर हमें बताए थे कि यहाँ पे जो भी है ये सारे जो दिख रहे हैं वो अंडर गाइडेंस, यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स ने ही ये सब किया है, ओके। तो ये वेजिटेबल यहाँ पे फार्म है, ये एक फ्रूट्स फार्म है, और आगे चल के उधर और भी सारे, एक डिपार्टमेंट वाइज उसको सेपरेट किया हुआ है वहाँ पे उधर। ओके, तो एक बहुत बड़ा एरिया आपको वहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे भी अभी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे वो मशरूम वगैरह के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है हमें, ठीक है। मशरूम यूनिट है इधर, देखिए मशरूम प्रोडक्शन यूनिट, ओके, शिवालिक का। और ये डेयरी फार्म है इधर। और जैसे कि आप ये पूरा आपको यहाँ पर एक ये बहुत बड़ा शॉर्ट्स वीडियो में आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको पूरा एक्सपोजर आपको यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे वर्मी कंपोस्टिंग होता है, ओके, जैसे कि आप पूरा यहाँ देख पा रहे हैं। और ये जो सर हमें बता रहे हैं, मैं इनसे आपको इनका इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ही टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, जो हमें पूरा कॉलेज का ओवरव्यू आपको दे रहे हैं हमें साथ में, ओके। और इस वीडियो में ये एक्चुअली ये है कि ये मैं कॉलेज का जो कैंपस टूर था वो मैं पहले ही करके आ चुका हूँ, ठीक है। तो वहाँ का मैं आपको कॉम्बाइंड शॉर्ट्स के साथ में आपको ये पूरा वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। और यहाँ पर सर हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलता है, ओके, और सब कुछ यहाँ पे आपको एक प्रॉपर तरीके से आपको गाइडेंस मिलेगा, ओके। और वापस से हम अभी इधर आते हैं, ये आपको बॉयज़ हॉस्टल है, ठीक है। और ये आपका मैस एरिया है ये यहाँ पे, ओके। और ये सब कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है यहाँ पे, आप जो हॉस्टल वाले जो हैं वो यहाँ पे उनका कैफेटेरिया है ये। ये प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो कंपनी विजिट करती हैं वो सारी चीज़ें हैं। थैंक यू सर फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम। वेल, मैंने तो अभी पूरा कॉलेज सर विजिट कर लिया है और सारी चीज़ें मैंने आपसे जाना, तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ठीक है, कि इस कॉलेज में कुछ ऐसे स्पेशलिटी बातें जो बच्चे बोलेंगे कि हाँ शिवालिक में हमें एडमिशन लेना है। हमारी क्या कि जैसे बच्चे बहुत से दूर आते हैं, yes, बच्चे को लगता है कि हम बहुत जगह कि हम फ्री हो चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ के जितने भी फैकल्टीज़ हैं तो उन पे क्या होता है कि मेंटर मेंटी सिस्टम है, या क्लास कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, तो उनको ना उस पर स्पेशल गाइडेंस दिया जाता है, उसका सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि बच्चा क्या उसका परफॉर्मेंस क्या है, yes, तो इसलिए ये बेटर है। तो जैसे कि सर बताए, तो आई थिंक कि सर कहना चाह रहे हैं कि यहाँ का मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा है, और जहाँ का मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा है वहाँ पे पढ़ाई ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी होती होगी सर। और सेकेंडली मैं ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ एडमिशन प्रोसेस क्या है सर इसका? एडमिशन सर सिलेक्टिव जो क्राइटेरिया होता है वो उसके भी आप पे होता है, जैसे परसेंटेज हो गया, एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट हम लोग करवाते हैं उस पे भी होता है। और सर अगर कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर अगर कोई रजिस्ट्रेशन करना वगैरह चाहे तो
तो जैसे भी कोई भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो उनका वो डाइट ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहाँ पे जाके अपना डाइट लिंक से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, उनके बाद एंट्रेंस होगा ओके और उसके बाद फिर आगे की चीज़ें होंगी। और इनके सर का भी नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कुछ भी डाउट होगा तो पर्टिकुलरली कॉलेज से आप कंसल्ट कर सकते हैं ओके। एंड सर एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि सर कॉलेज के थ्रू क्या स्कॉलरशिप प्रोवाइड होते हैं बच्चों को एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे? एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे ओके सर ओके थैंक यू सर। अभी हम लोग शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में थे ओके और यहाँ पे अभी हम लोगों ने सर से बात किया, पूरा कॉलेज को हम लोगों ने विजिट किया है और बहुत बेहतरीन कॉलेज है ओके। और ये यहाँ का नेचर बहुत अच्छा है, सोसाइटी बहुत अच्छा है, बच्चे घर से आएंगे तो एक पर्टिकुलर एक अच्छे फैमिली में रहेंगे ओके। एंड बाकी के पूरे वीडियोस में आपको साथ प्रोवाइड करवाऊंगा।